एवरीवन, तो आज आप डिनर में क्या बना रहे हैं? अगर आप डिनर में कोई चावल की रेसिपी बनाने की सोच रहे हैं तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले चाप बॉईल होने रखेंगे, पर एक पैन में पानी बॉईल होने के रख दिया है, इसमें नमक डाल दिया है और चाप को 2 मिनट के लिए इसमें बॉईल कर लेंगे। इसके बाद चाप को ठंडा होने के बाद कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, चाप जो हमें ठंडी हो गई है तो इसको हमें फ्राई करना है। तो ऑयल को ही गरम कर लेंगे और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर देंगे और उसमें डालकर इसे चलाते हुए हमें फ्राई करना है जब तक इस पर लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। तो ये देखिए चाप है वो बहुत अच्छे से सेक चुकी है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम इस चाप को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में हम लेंगे दही, तो मैंने यहाँ पर करीबन आधा कटोरी दही लिया है। इसमें अब हम डालेंगे सूखे मसाले, मसालों में डाला है नमक, साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ यहाँ पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, इसका जो टेस्ट है वो इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी हम इसमें कस्तूरी मेथी डालेंगे, इसको हाथ से रब करते हुए डाल दें और इसमें हम डालेंगे गार्लिक, गार्लिक को मैंने सिर्फ इसमें कूट कर डाला है। हम इन सब चीज़ों को अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे जिससे सारी चीज़ें दही में अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब इसमें हम डालेंगे चाप और चाप को भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे जो चाप है सारा जो मैटर में तैयार किया है वो अच्छे से सोख कर ले। तो इसको अच्छे से मिक्स करके इसे हम ढक कर रख देंगे जब तक हम अपने चावल के लिए मसाला तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल लिया है, ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जीरा और जब जीरा अच्छे से भुन जाए तो इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले। खड़े मसालों मैंने डाला है यहाँ पर तेज़पत्ता, लौंग और काली मिर्च। आप इसमें अपनी मनपसंद के कोई भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज और इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनना है। अब इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च बारीक चॉप करके और साथ में डाली है कुछ पुदीने की पत्तियाँ। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले, मसाले आप हिसाब से डालें क्योंकि हमने मिक्सचर जो रखा है मैरिनेट उसमें भी 10 मसाले डाले हैं। तो यहाँ पर डाले हैं नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से कुक हो चुका है, तब तक हमारी जो चाप है वो भी अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। चाप को भी इस मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए चाप जो है मसाले में अच्छे से मिक्स हो गई है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे सारे मसाले जो है चाप जो है अच्छे से सोख लेगी। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला, आपके पास जो भी मसाला हो आप डाल सकते हैं, इसकी जगह आप गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे सोख किए हुए राइस, राइस को मैंने 1/2 आवर के लिए सोख करके रख दिया था। इसमें सारे राइस को डालकर हल्के हाथ से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए ये सारे राइस हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसमें हम डालते हैं पानी, तो 1 कटोरी राइस लिए हैं तो यहाँ पर 2 कटोरी पानी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हो तो 1.5 कटोरी पानी यूज़ करें। अब इसमें एक बॉयल आने देंगे और ढक कर स्लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। तो ये देखिए हमारा जो पुलाव है वो बनकर तैयार है। ये देखिए इसमें हम लास्ट में डालेंगे हरा धनिया और इसमें हरा धनिया डालकर इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे जो राइस एकदम खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितने खिले खिले बने हैं और ये जो पुलाव है बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपको चाप पसंद है तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप लंच, डिनर, लंच बॉक्स किसी में भी बना सकते हैं और साथ में सर्व करेंगे इसके प्याज और टमाटर का रायता। आपको रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।